हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे हीरो की चार ब्लॉकबस्टर मूवीज के बारे में जिन्होंने तहलका मचा दिया है पूरे साउथ इंडस्ट्री में। ये साउथ के हीरो हैं, आपके जाने माने हीरो हैं। उनका नाम है प्रभास, जिन्हें बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मूवी आई थी 2004 जो कि ब्लॉकबस्टर गई थी, सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस मूवी का नाम है बरसम। बरसम 2004 में रिलीज हुई थी और उसने ऐसा तहलका मचाया कि सभी मूवीज़ को पीछे छोड़कर उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी बनी। और इस मूवी में जो कास्टिंग ली गई है वो है प्रभास, त्रिशा कृष्णन और दूसरा हीरो है गोपी चंद। भी जाने माने हीरो हैं साउथ इंडस्ट्री के। इस मूवी के जो डायरेक्टर वो है शोभम। अच्छे खासे डायरेक्टर हैं। ये एक्शन मूवी है और बागी मूवी आपने देखी होगी। बागी जो है इसी मूवी का रीमेक है। बरसम मूवी का रीमेक है बागी। हर कोई बॉलीवुड वाला धे रीमेक बना रहा है। रीमेक क्या, कॉपी कर रहा है, निखालस कॉपी। और हम दूसरी मूवी की बात करें, दूसरी मूवी है छत्रपति। छत्रपति एक एक्शन मूवी है जिसने की तहलका मचा दिया था पूरे साउथ इंडस्ट्री में। ये मूवी 2005 को रिलीज हुई थी। 2005 की ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। 2005 में रिलीज होने के बाद इसमें जो कास्टिंग थी वो है प्रभास के साथ साथ साफी, भानुप्रिया, श्रेया शरण भी काफ़ी जानी मानी हीरोइन है जो कि दृश्य में देखी जा रही हैं। इस मूवी का जो डायरेक्शन किया है और स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है SS राजामौली। SS राजामौली तो महान है यार, उन जैसा डायरेक्टर मैंने देखा ही नहीं है। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई और तहलका पे तहलका मचा दिया, छत्रपति का नाम कर दिया। हम तीसरी मूवी की बात करें, तीसरी मूवी आपने जरूर देखी होगी, हर किसी ने देखी है, बाहुबली द बिगिनिंग 2015 में रिलीज हुई। 2015 में रिलीज होने के बाद चलती गई और जो तहलका मजा आया, इतना तगड़ा तहलका आज तक किसी ने नहीं मजाया। इतनी तगड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं गई कोई भी। ये मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर गई कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है प्रभास, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबती, राम्या कृष्णन, नसार और सत्यराज वो कटप्पा आपने देखा होगा। मूवी की जो कास्टिंग बहुत तगड़ी है और इसका जो डायरेक्शन किया है, इसका जो स्क्रीन प्ले किया है वो किया है SS राजामौली। इतने तगड़े डायरेक्टर मैंने आज तक ऐसा डायरेक्टर देखा ही नहीं है, मतलब देखा ही नहीं है, वो तो नॉर्मल बात है, रियल बात है, आपको भी पता है। इस मूवी का जो बजट था वो था 250 करोड़ और इस मूवी ने जो कमाई की वो कमाई की थी 600 से 650 करोड़ के समथिंग। ये ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इस मूवी के जो राइटर थे वो थे SS राजामौली के पिता बी राजेंद्र प्रसाद महान है, जिन्होंने ऐसी स्टोरी लिखी। और चौथी मूवी की बात करें, चौथी मूवी आपने देखी है, हमेशा देख हो गई, ऐसी मूवी आज तक नहीं बनी है, नहीं बनेगी। इस मूवी का नाम है बाहुबली द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला बाहुबली का, यानी कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, ये एक सवाल उठ रहा था। ऐसे ही इस मूवी में आपको पता चल जाए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस मूवी की जो कास्टिंग है वो है प्रभास, राणा दग्गुबती, तमन्ना भाटिया के साथ साथ अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, सत्यराज, नसार, सुबुराज। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें, स्क्रीन प्ले की बात करें, वो है SS राजामौली। SS राजामौली महान है यार, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे महान आदमी मैंने देखा ही नहीं। इस मूवी का बजट है 250 करोड़ रुपए और इस मूवी ने 1810 करोड़ रुपए। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी, है, रहेगी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कमाने वाली बहुत तगड़ा रुपया मूवी। तो दोस्तों आपने ऐसी मूवी देखी ही नहीं होगी। ये 28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई। ये एक एक्शन, एपिक एक्शन मूवी है जो धमाल मचा रही है। 171 मिनट की मूवी है, यानी कि 3 घंटे में बस 9 मिनट कम है। तो दोस्तों अगर आपको मूवीज़ का कंक्लूजन देना, मूवीज़ के बारे में बताना अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताओ कि अगले कौन से हीरो की ब्लॉकबस्टर मूवी चाहते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट और ऐसे ही देखते रहो हमारे चैनल्स को, हमारी वीडियोज़ को। धन्यवाद।